हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग को वर्ल्ड क्लास फैब्रिकेशन वर्कशॉप में बहुत बहुत शुक्रिया। जो न्यू मेंबर है, आपको पता नहीं है एक और ऑन टॉप ऑफ सीरीज चल, सुपरवाइजर कैसे इंटरव्यू दे सकते हैं, वो हिसाब से हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके हम लोग आया था पिछले वीडियो में। एक पार्ट नंबर वन पे आपको दिखाई देगा कुछ क्वेश्चन, हम लोग उसको डिस्कस किया था। वो क्या है फैब्रिकेशन का, इंटरव्यू देने के लिए क्या क्या पूछता है, हम लोग क्या क्या पूछना पड़ता है बंदा को, आप क्या कितने एक्सपीरियंस है बंदा का, वो हिसाब से बताना पड़ता है। तो पहले ही वीडियो में आप लोग को बताऊंगा जो फैब्रिकेशन में कोई इंटरव्यू देने के लिए क्या कौन सा क्वेश्चन पूछता है, वो हिसाब से आप लोग को जॉब मिलता है। तो एक ये जो क्वेश्चन है कोई किताब का कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। क्यों ना मैं जो यूट्यूब चैनल खोला हूँ किस लिए, मेरा जो एक्सपीरियंस स्टोरेज करने के लिए एक यूट्यूब सोशल मीडिया पे। तो मैं बताऊंगा आप लोग को स्टेप बाय स्टेप। पहले जो रिकैप कर लेता हूँ पिछले वाला वीडियो को, सेल्फ इंट्रोडक्शन बताया था आप लोग को, पता ही होगा, नहीं पता तो कैसे करना है नहीं करना है आपको पहले वीडियो देख लीजिए। मीग एंड मैक का, मैक एवं डिफेंस क्या है उसको बताया था, एंड विथ WPS क्या है, इसमें व्हाट इज पीकवर एंड WPQR, 5S, काइजेन, लीन मैन्युफैक्चरिंग आज आप लोग को डिस्कस करूंगा। तो इसमें क्या है, पहले पीकवर और WPQR का क्या है, तो पहले पता होना चाहिए पीकवर और WPQR क्यों बनता है और क्यों करेगा हम लोग। वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन इसका फुल फॉर्म बोलते हैं। तो इसमें क्या है, वेल्डर को जो प्रोसीजर का क्या है, कौन सा प्रोसीजर का काम करना है, वो हिसाब से आप लोग को बताना पड़ता है। मतलब क्या है, शॉप फ्लोर में कोई चीज बनने का पहले एक जॉब में एक तैयार होता है, एक 12 पीस बनता है, उसमें कितना वोल्टेज होना चाहिए, कितना एम्पियर होना चाहिए, कितना करंट होना चाहिए, कितना वायर स्पीड होना चाहिए, कितना प्रीहीट होना चाहिए, कितना पोस्टेज होना चाहिए, सब कुछ WPS के अंदर दिया रहता है। क्यों ना ये जो WPS बनते हैं किस लिए, थोड़ी वर्कर के लिए, थोड़ी इंजीनियर के लिए बनता है, अब वेल्डर के लिए, क्यों ना वेल्डर वो WPS रिस्पेक्ट पे काम करेगा इसीलिए। तो उसका ऊपर डिपेंड करके पीकवर बनते हैं, पहले पीकवर क्वालिफाइड होते हैं उसके बाद वो हिसाब से आप लोग WPS बनते हैं। पीकवर क्या है, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। प्रोसीजर क्वालिफिकेशन मतलब क्या है प्रोसीजर, ये जो प्रोसीजर का हम लोग कर रहे हैं, जैसे हम लोग कोई जो बनते हैं उसको मटेरियल के, जैसे एक हाइटेन का कोई मटेरियल बने, हाइटेन 690 केवल का कुछ मटेरियल का, 16 mm थिकनेस का कुछ मटेरियल का जो बन रहा है, तो उसमें हम लोग पहले 12 पीस लेते हैं। 12 पीस होने के बाद दोनों 12 को होल्डिंग करते हैं, होल्डिंग करने के बाद हम लोग लैब पे भेजता है, उधर बेंड टेस्ट एवं टेंसाइल स्ट्रेन होता है, उधर विथ केमिकल टेस्ट होता है। केमिकल टेस्ट होने के बाद वो क्वालिफाइड होने के बाद उसमें पिकोर में जितना हम लोग वेल्डिंग में जितना वोल्टेज करंट सब कुछ रखा था, वो हिसाब से हम लोग वही वोल्टेज करंट हम लोग अप्लाई करते हैं WPS में। तो पिकोर क्या है, प्रोसीजर क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, मतलब जो प्रोसीजर हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो प्रोसेस कर रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड उसमें पिकोर में रहता है। WPR कह रहे थे WPQR वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड। कोई वेल्डर को काम करने के लिए वेल्डर को परफॉर्मेंस रिपोर्ट, मतलब उसको कौन सा पोजीशन पे काम करना है, बंदा कैसे वेल्डर है, तो आपको पता ही होना चाहिए। मतलब एक जॉब पे बहुत पोजीशन रहते हैं, फ्लैट पोजीशन रहते हैं, वर्टिकल रहते हैं, ओवरहेड रहते हैं, 6G पाइप पे 6G रहते हैं, 5G रहते हैं, 2G रहते हैं, 1G रहते हैं, इसमें बहुत पोजीशन पे काम करना पड़ता है। तो वो हिसाब से हम लोग कैसे करना है नहीं करना है हम लोग बताते हैं। मतलब किस में पता चलेगा, जब हम लोग WPQR करेगा बंदा को वेल्डर परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड, मतलब एक बंदा का ये कौन सा पास किया, कौन सा टेस्ट कोड बनाया था, वो हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट कोड बनाया था उसका वो एक लैब पे भेजता था। लैब पे भेजने के बाद वो उसमें RT होता है भाई, UT होता है, होने के बाद वो क्वालिफाइड होता है ना, ये क्वालिफाइड है, जैसे 3G में क्वालिफाइड, डाउन हैंड में, अप हिल में, उसमें जो पोजीशन पे पास है वो हिसाब से उसका सर्टिफिकेट, कंपनी तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट से आप लोग शो करते हैं ना, ये बंदा इसमें पास है, ये बंदा काम कर सकते हैं जॉब पे, बराबर। 5S क्या है, 5S बहुत ईजी है, क्यों ना कोई भी कंपनी पे जाओगे तो कंपनी पे ये 5S पार में पूछेगा ही, क्यों ना कोई MNC कंपनी पे काम करने चाहोगे तो 5S मतलब ये उसका मामूली बात है, मतलब 5S जानना ही पड़ेगा आपको। 5 मतलब 5 तो एस लेके आपको 5S होता है,
कैसे है, एक शॉर्ट होता है, सिटी इन ऑर्डर होता है, उसके बाद साइन होता है, स्टैंडर्डाइज होता है, सस्टेन होता है। मतलब क्या है, 5 एस लेके हम लोग 5 एस बोलते हैं। उसका मीनिंग क्या है शॉर्ट का, मतलब जो फैब्रिकेशन कर रहे हो हम लोग उसमें कौन सा पोजीशन, मतलब बहुत कुछ रहते हैं, इलेक्ट्रोड रहते हैं, कंज्यूमर रहते हैं, ग्राइंडर रहते हैं, सब कुछ रहते हैं उसमें। उस पर टूल्स वगैरह रहते हैं, जॉब वगैरह जो जितने काम जो लगते हैं वो सब रहते हैं, वो सब से हम लोग काम करने वाला है। मतलब उसको सॉर्टिंग करने का, कैसे सॉर्टिंग करने का, जैसे एक स्टैंडर्ड है जिस हिसाब से सॉर्टिंग करने का पार्ट टाइम हम लोग, टाइम तो रिड्यूस होता है उसमें, एक शॉर्ट में जाता है सीट इन ऑर्डर। मतलब क्या है, जो हम लोग सॉर्टिंग कर रहे हैं तो उसमें सीट इन ऑर्डर पे हम लोग रखना है, सीट इन ऑर्डर में रखना है तो क्या होगा, हम लोग इजिली सॉर्ट आउट कर पाएगा वो। साइन मतलब क्या है, साइन मतलब क्या है, जो शॉप फ्लोर में काम कर रहे हैं उस नीट इन क्लीन होना चाहिए, क्लीन होगा क्या होगा, उसमें आप लोग को काम करने की इच्छा होगा, शॉप फ्लोर में क्वालिटी बढ़ेगा, काम करने मन लगेगा, और भी उस पर नीट इन क्लीन देखेगा उसमें, और भी प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ते हैं उसमें, शॉप फ्लोर में क्वालिटी निकलते हैं उसमें। ये जो कर रहे हैं हम लोग, ये स्टैंड ISO स्टैंडर्ड से होता है। मतलब क्या है, ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, उसमें जो ISO का स्टैंडर्ड पे हम लोग इसमें काम करते हैं इसमें। और एक क्या है उसमें, सस्टेन मतलब क्या है, सस्टेन मतलब जो कर रहे हैं हम लोग चार, उसको क्या करना है, मेंटेन करना चाहिए। ये इसमें ये जो कर रहे हैं, पायस कर रहे हैं, शॉर्ट, सिट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन में ये चारों को मेंटेन कंटिन्यू होना चाहिए, तो इसलिए हम लोग 5S करते हैं। 5S फैब्रिकेशन में अप्लाई होता है कोई भी जगह पे, मशीनिंग कंपनी मानते हैं, कोई छोटा कंपनी मानते हैं, SP में चलते हैं, कोई भी कंपनी पे 5S चलता है, क्योंकि 5S के ऊपर प्रोडक्टिव निकलते हैं, कॉस्ट सेविंग्स होते हैं, सब कुछ होता है इसमें। काइजन क्या है, काइजन मतलब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जो हम लोग शॉप फ्लोर में काम करने का टाइम पे, काइजन मतलब कंटिन्यूस गुड, मतलब चेंज फॉर बेटर। मतलब क्या है, जो काम कर रहे हैं हम लोग उसको कैसे और भी भला कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट भी बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है उसको टाइम सेव करना है, उसको क्वालिटी और भी बढ़ाना है, उसमें मैन पावर ज्यादा जा रहा है उसमें और भी काम करना है, उसमें कंज्यूमर ज्यादा जा रहा है उसको कैसे काम कर सकते हैं, टाइम ज्यादा जा रहा है उसको टाइम कैसे सेविंग्स कर सकते हैं इसमें, और बहुत कुछ रहता है उसमें। जिसका कॉस्ट बढ़ रहा है उसको कॉस्ट कैसे कम कर सकते हैं, सब कुछ रहते हैं। मतलब कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट रहते हैं। कोई जॉब पे बहुत टाइम से बन रहा है उसको कैसे टाइम सेविंग्स करते हैं, उसको डिले टाइम कौन सा कम कर सकते हैं, उसमें क्या होता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट हिसाब से आपको काइजन बोलते हैं। जैसे कोई ऐसे नहीं है कॉस्ट सेविंग्स में कर, शॉप फ्लोर में जो काम कर रहा है उसको कैसे जॉब एक जॉब 2 घंटे बनता था उसको कैसे 1 घंटा 45 मिनट में बनना है, वो हम लोग को बस सोचना पड़ेगा, वो इंप्रूवमेंट करने पड़ेगा। मतलब ये इंप्रूवमेंट मतलब आपको खुद दिमाग में सोचना है, प्रैक्टिकली विदाउट इन्वेस्टमेंट सोचना है, तो थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट सोचना है उसमें कैसे हम लोग और भी अच्छा कर सकते हैं उसपे। और भी है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, मतलब लीन मैन्युफैक्चरिंग मतलब वन टाइप ऑफ रिड्यूस द वेस्टेज, मतलब वो प्रोडक्टिविटी जो बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग वो टाइम को, प्रोडक्टिविटी क्वालिटी को कम कर सकते हैं, प्रोडक्ट को और भी कैसे हायर कर सकते हैं विदाउट थोड़ा कॉस्ट कम करके, कैसे उसको जो वेस्टेज है मतलब बहुत कुछ वेस्टेज भी निकालते हैं कंपनी, और भी कैसे कम कर सकते हैं, जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट दे रहा हम लोग वो कस्टमर प्रोडक्ट को कैसे विदाउट उसको, ऐसे कोई नहीं है कोई नाट लगाया कुछ कंपोनेंट पे उसको नाट का वैल्यू नहीं है, जरूरत ही नहीं है तो हम लगा दिया, ऐसे वाला चीज पे वो विदाउट नॉन वैल्यू एडेड को चीज को हम लोग नहीं लगा कर सकते हैं, उसमें कैसे वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करके हम लोग वो सोचना पड़ता है। इतना ही हम लोग को समझाऊंगा HR क्यों ना, वीडियो जितना लॉन्ग होगा आप लोग को बोरिंग लगेगा, मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा लॉन्ग वीडियो में, अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए हम लोग और भी दो टॉपिक में हम लोग बात करूंगा, उसमें और भी अच्छा अच्छा कुछ काम, नया मेंबर है उसमें प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मेरे को और भी इनक्रेज कीजिए, और अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा। थैंक यू गाइस, नमस्ते।